कहाँ चला हुआ है? चल बोला चल बोला, मरने से बच गए थे भाई। अभी कैसे चला रहे हो आप गाड़ी? क्या कितनी स्पीड रखी थी आपने गाड़ी? कहाँ रखी थी? अरे भाई हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, ये मेरे को बोल रहे हैं संडे राइड पे देखा ना मेरे को, क्या बोल रहे थे आप? चलो वो साइंटिस्ट बन के भाई इसको खोल ले यार। तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि टेल लाइट और ये इसको रिमूव कर दे, बोलते बड़ा डिसिप्लिन राइडर लग रहा था तू, पूरी राइड पे जाए तू भगा भी रहा था, कुछ भी कर रहा था, ऐसे लग रहा था शरीफ बंदा। तो इनका कहना है कि भाई ये सब खोल दे उसके बाद ही बाइक सही लगेगी। खोल रहे हैं इसको, देख रहे हैं भाई किस तरह से तामझाम खुलेगा, क्योंकि ये वाली सीट खुलती है ये पता नहीं कैसे खुलेगी, देखना पड़ेगा। गाइस अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर खोलते हैं इसको पूरा फुल पावर, देखते फिर आगे क्या सीन रहते हैं। मैंने जहाँ तक देखा वो ये चीज खुलती है, ये सीट यहाँ से कहीं से नहीं खुल रही है, पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पे चार स्क्रू दिए हुए बाहरी, यहाँ से खोल रहे हैं, देखते हैं अभी फिर बताते हैं आपको कैसे खुलेगी ये फुल पावर सीट। बाइक की लुक ना पूरी फुल पावर RC8 ही लगेगी। ये देखो आपको बताते हैं, इसको पकड़। सीट खोलने के लिए ना ये लॉक खोलना पड़ेगा आपको, यहाँ से खुलता है ये नीचे स्पेस। हाँ ये लॉक खोलना पड़ेगा तभी आपका ये सीट काउल खुलेगा, ऊपर करने से नहीं खुलेगा। ये लो भाई खुल गया पूरा। अब यहाँ से ये डिस्कनेक्ट करो वायर। गाइस अभी सारा कुछ खोल दिया ना पूरी बाइक का, वो रखा हुआ अपना टायर अगर ये ग्रैब रिल्स वगैरह और ये टेल टाइड, बाकी ना निकलते हैं घर से, देन उसके बाद आपको बताएंगे लुक। बीच रास्ते में खड़े हो गए भाई, फुल ऑन हल्की होगी ये बाइक अब। तो गाइस अभी निकलते हैं, निकलने से पहले हम रीसेंट वीडियो के कमेंट रीड कर लेते हैं। तो भाई जो सबसे पहले कमेंट आया वो है यंगस्टर गद्दी, और जो सेकंड नंबर पे कमेंट आया वो है अर्पित गेमिंग, और जो थर्ड नंबर पे कमेंट आया वो है वायरस ब्लॉग। तो गाइस ये तीन कमेंट थे जो सबसे पहले आए थे, अभी जाओ जल्दी से कमेंट कर दो। बाकी अभी निकलते हैं, देन फिर आपको बताता हूं भाई बाइक के बारे में। बाइक को बाहर निकाला अभी, फर्स्ट टाइम ही चला रहा हूं मैं अभी। गाइस सीरियसली बताओ ना बाइक इतनी हल्की होगी ना, अभी थ्रोटल दिया ऐसे फील आ रहा है भाई उड़ ही जाएगी। 5 से 6 kg के अराउंड अराउंड नहीं, ये हल्की होगी ये बाइक। 174 kg के अराउंड इसका वेट है टोटल, टेल टाइड और वो सब कुछ डाल के था टायर अगर, उन सबको निकाल के आप रख लो कि 169 के अराउंड तो हो ही गया होगा इसका वेट। तो भाई इतनी लाइट होगी ना, अब तो डर भी लग रहा है ऐसे लीन वीन करने में कि कहीं लीन करते करते बाहर को ना निकल जाए। अब भाग रही है, बिल्कुल हल्की लग रही है पीछे से बाइक भाई, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं इसके पीछे। आपको ना पीछे से भी दिखाता हूँ एक बार भाई चलाएगा बाइक, फिर मैं पीछे से दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से इसका व्यू लग रहा है पीछे से भाई, बहुत अल्टीमेट लग रही है बाइक। पीछे से बिल्कुल ही लाइट हो गई है, इसको तो नहीं दूंगा मैं इस तरह से थ्रोटल। अभी ना पीछे से एक बार लुक देखो इसकी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं बाइक को, एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखना ये देखो भाई। ओ शिट है ना भाई, ये एक डिसएडवांटेज यार, मैं धीरे निकाली थी पता है, अब वहाँ पे ये टायर रोल हो गया था मिट्टी में, देखो भाई ये हालत हो गई है यार घर से निकालते निकालते। शिट यार बड़ी गंदी हो गई है, मेरे ऊपर तो नहीं गिरा। तो गाइस ऐसी कुछ लुक है यार अभी गंदी हो गई जैसे घर से निकालते हुए, इसीलिए मैं ना नहीं खोलना चाह रहा था टायर अगर वगैरह, बट भाई लुक बहुत अमेजिंग लग रही है पीछे से, इतनी लाइट हो गई है ना बाइक। देखो एक बार मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई क्या ही जाए, मतलब पूरा ना RC8 वाली लुक दे रही है, बहुत प्यारी लग रही है बाइक। ये देखो वॉश करने पड़ेगी मेरे को घर पे कि ना, अभी भाई चलाएगा इसको, वो धीरे चलाना है टर्न पे ना, वो कर रही है स्किड कर रही है क्योंकि हल्की है ना पीछे की, तो ये चलाएगा ना अभी, मैं आपको पीछे से लुक दिखाऊंगा पूरी बाइक की किस तरह लग रही है, आराम से चलना ताकि मैं शूट कर सकूं। और ना गाइस इसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी एक दो दिन में, और रिव्यू वीडियो भी डाल दूंगा इस बाइक के ऊपर, ज्यादा चलाई नहीं है अभी, जब से लेके आया ना मेरे पास ही खड़ी है ये बाइक, चलाएंगे इसको देन बताएंगे। एक ये इसका एक कुछ इस तरह से टायर अगर पीछे का पूरा कवर्ड ही है यार, कुछ है ही नहीं, और टेल टाइड भी छोटी सी बना देना, इसका भी कर लेंगे कुछ सीन पानी फ्यूचर में, बाकी चलते हैं अभी चलो। तो इस पे मैं फ्यूल अप इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इसका मैंने बनाना माइलेज टेस्ट, ऐसी लुक क्या कुछ इस बाइक की पीछे से भाई। ओ भाई इतनी मत भगा, अपने पास नहीं है इतनी पावर, देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक लग रही है बाइक। ये देखो भाई अरे अमेजिंग लुक आ रही है भाई बाइक की सीरियसली। चलो भगाते अभी थोड़ा सा, BMW पीछे से
भाई सीरियसली यार मेरे को ना सच बताऊं मैं ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूं इसको, क्योंकि 390 बहुत भागती है यार सीरियसली। और इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, आगे रुकता हूं ना उसके बाद बात करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने इतनी भगाई है ये बाइक, मैंने चलाई नहीं थी जब से इसको लेके आए, मेरे घर प्यासे खड़ी थी ये, मैक्सिमम मैंने वही बाइक चलाई है अभी तक, आज भगाई है ना भाई इसके साथ ही, इसमें मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बाकी तो चलाएंगे इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो अलग से लेके आऊंगा, बाकी अभी तो देख लिया मैंने भाई ये अल्टीमेट भाग रही है यार, और हल्की भी है ना वो भाई, इसका टायर भी जाने वाला है, 3000 हो गया, ऐसे ऐसे लग रहा है कि चला गया टायर। बाकी अभी चलते हैं घर पे, इसको चलाते हैं, थोड़ा सा देर में चलाऊंगा इसको अभी, चलो बता रहा हूँ। ये हल्की होगी पीछे से, मैं थ्रोटल दे रहा हूँ ना डाउन पे भाई, ये बाहर गुजार रही है ओ भाई, कहाँ चला हुआ भाई, कहाँ चला हुआ ऐसा होने दा, चल बला चल बला, ठहर मरने से बच गए थे भाई अभी। भाई कैसे चला रहे हो आप गाड़ी, कैसे चला रहे हो आप गाड़ी, आपको नहीं पता क्या वो पीछे निकल गए, रास्ता दिया आपने उधर क्या, कितनी स्पीड रखी थी आपने गाड़ी, कहाँ रखी थी इसलिए, अरे भाई अगर ठुक जाते उधर, आपने कहाँ रखी थी सर गाड़ी, आपको पता ही है बात, आपके कंट्रोल में कहाँ थी सर, हमें तो रास्ता ही नहीं था सर, ये बात नहीं होती है, सिंगल रोड है ना, अपनी साइड रखो गाड़ी ठीक है ना, इस तरह से नहीं चलती हैं गाड़ियाँ रोड पे, बात करते हैं यार, चलाने नहीं आती हैं गाड़ियाँ, पता नहीं क्या करते हैं भाई। तो गाइस दैट्स इट, यही था आपको दिखाना था बाइक के बारे में, और बाकी आपने देख लिया यार लोग किस तरह चलते हैं ठीक है, अपनी साइड नहीं रखते हैं गाड़ी, और फिर गलत साइड चल के भी ये बोलते हैं कि भाई मैं तो अपनी साइड चला था, आपने देख लिया। बाइक के बारे में यार फिर कभी बताऊंगा अच्छे से इस चीज के बारे में, लेकिन सीरियसली यार बाइक स्पीड कर रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि पीछे से लाइट वेट हो गई है, और मैंने यहाँ की ग्रैब रेल्स भी निकाल दी हुई है, बट यहाँ मेरे को ना ये काउल हिल रहा है ना बड़ा ज्यादा, मैं सोच रहा हूँ दोबारा इंस्टॉल कर दूंगा, चलो वो देखते हैं। दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ किसी को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, और यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना फ्री है सब कुछ, आप कर दो नीचे और शेयर कर दो वीडियोस, मिलते हैं भाई।